यार सड़क के ऊपर खड़े होके आप मेट्रो की वॉइस में क्या सुनाएंगे कि बेटा तुम्हारी कार अब पंक्चर होने वाली है, हाँ स्टार्ट करने से पहले अपनी मम्मी को डाटा जरूर करो, धन्यवाद। मैं भी अब ये कहूं क्या? Hi guys, we have two very very special guests with us today. I'm not going to introduce them, neither is Shiv. So I'm going to hand it over to one of them to introduce the both of them. Dishant? Me? Okay, I'll start. So today we have the golden voice of India, the voice of the Delhi Metro, the Mumbai Metro, Hyderabad Metro, Gurgaon Metro and all the metros combined. We have a unique baritone like none other than Mr. Shami Narang. Also my father, by the way. So dad, thank you so much. और मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत में बस इतना ही कहूंगा कि हाउस अरेस्ट के इस खूबसूरत सफर में आप सभी का स्वागत है। मुझे आशा है कि इन दिलचस्प बातों के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे और अब आपका अगला स्टेशन हाउस अरेस्ट का ये एपिसोड। सर आई थिंक व्हाट यू गाइस डू दिशांत एंड यू बोथ इज समथिंग सो यूनिक कि बहुत लोगों को पता ही नहीं ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही एमेच्योरिश सिंपल स्ट्रेट सवाल है कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट करता क्या है, व्हाट डज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट डू। शिव आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है इस तरह से क्योंकि अगर मैं छोटा सा अपना बैकड्रॉप बताऊं कि मैं पढ़ाई के मामले में आई एम एन इंजीनियर वेरी फ्रैंकली मैं मेटलर्जिस्ट और किसी ने पूछा कि आप एक मेटलर्जिस्ट होते हुए इस प्रोफेशन में कैसे आ गए तो मैंने कहा बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है। तो बट एक नियति चीज होती है, आपकी किस्मत होती है और कॉलेज का एक प्रोग्राम ऐसे ही किसी ने कहा माइक्रोफोन पे ऑडियो चेक कीजिए, ऑडियो चेक दे रहा था वो अमेरिकन थे, उनको मेरी आवाज पसंद आई, वो इस बहाने से मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका में ले गए। वॉइस ऑफ अमेरिका में पहली मर्तबा जाकर पता लगा कि वॉइसिंग भी कोई करियर होता है। अब फिर उसके बहुत सारे ऑफशूट्स होते हैं, कोई उसे ब्रॉडकास्टिंग कहता है, कोई वॉइसिंग कहता है, कोई नरेशन कहता है, तो इस तरह से ये मामला चलता रहा। लेकिन एक पूरी ऑलमोस्ट पूरी उम्र लग गई समझाने के लिए कि इसके बाद भी मैं रोटी खा सकता हूँ, है ना। तो बहुत देर तक खासकर मेरे जमाने में ये कन्विंस करना बहुत मुश्किल था कि वॉइसिंग करियर क्या होता है, क्योंकि जब मेरी नई नई शादी हुई तो बहुत ही बड़े जमींदारों की एक लड़की के साथ शादी हुई, तो जब मेरा तारुफ कराया गया, मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया और मैं नेशनल लेवल का एक न्यूज रीडर बन चुका था उस जमाने में, उसके बावजूद मेरे वाइफ की दादी कहने लगी कि बेटा तुम गाते बजाते भी हो, खबरें भी पढ़ते हो और माइक्रोफोन पे बोलते भी हो, पर करते क्या। तो फिर धीरे धीरे जाके वॉइसिंग में हम आए और मैंने ये रिस्क लिया, मैंने अपनी पूरी तरह से आई गेव अप माय इंजीनियरिंग, आई वाज वर्किंग फॉर गुड कंपनी आल्सो, पर फिर लोगों को एक तरह की इंस्पिरेशन मिली कि नहीं भाई इसके भी एवेन्यूज होते हैं, ये भी अपने आप में करियर है, और खुद भी कन्विंस हो गए कि नहीं अब मैं रोटी खा सकता हूँ। Fantastic. And I think I have, so the second question that I have is directed towards Dishant. Dishant, your dad is like, you know, he's flagged off the industry. Basically, he's an industry in himself. But today, if you were to explain to a young boy or a girl, what are the avenues available for a voice artist? Where all can I be seen or heard? So, as voiceover artists, sometimes we ourselves don't know where all we'll be present, you know? So, I mean, randomly I might get, a friend might drop a message or drop a call that, oh, I heard you today. Oh, I didn't know you voiced for this brand. Oh, I didn't know you voiced. I'm like, bro, even I've forgotten by now.
You know, so avenues are endless. You actually don't realize how many sets of ears you are actually impacting. How many people around the city, around the country, around the world even, are actually hearing you and how you're actually connecting with them. So if I may take my father's example, if we had done a study some time back, and he's one of the most heard voices in the country. Maybe on a daily basis, people hear him more than they hear an Amitabh Bachchan, simply because of, you know, the ridership of the metros, be it radio advertisements, may it be other sorts of voiceovers for corporate films, brand profiles, etc. You know the works. So avenues are endless. And I've just given you one example of one artist right now. Yes, I understand the artist that we're talking about is an institution in himself. But also artists like me who are fairly new in the industry, get to connect with people in ways that we can't even imagine. The medium of audio is easier to distribute than the medium of film or video. Audio can get integrated in the world of automation more seamlessly. So today you might even call up your local grocer and it might say, for English, press 1, Hindi ke liye 2 dabaiye. But to talk about this more professionally in terms of what are the professional avenues, it is, again, see, like any creative art, like any art form, avenues are less black and white and more vivid. There's no straight line answer in terms of what are the avenues. You know, if you say that tomorrow a student does engineering or he does an MBA, then you have very straight line answers that what are the avenues. You know, the avenues for him are like he can get a corporate job, he can become an investment banker, he can become an analyst, etc. But if tomorrow someone pursues any form of art, there's still a certain stigma in society in terms of professional avenues. Not because there aren't avenues, just because there's less clarity. मुझे लगता है शिव जो आप सवाल कर रहे हैं कि आज बच्चे के जहन में पढ़ाई के बाद ये है कि शम्मी नारंग बनना हो तो शम्मी नारंग क्या सिर्फ मेट्रो की वॉइस करते हैं? नहीं. अब दिशांत ने बहुत फिलोसॉफिकल एक आंसर दिया, लेकिन मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देता हूँ. एवेन्यूज की या आउटलेट मेरे कहाँ का मेरी आवाज काम आ सकती है, तो उसका बड़ा सिंपल आंसर ये है कि आप पहला आपके जहन में आता है कि आप रेडियो में बोलते होंगे, आप टेलीविजन में बोलते होंगे, आप एक एंकर होंगे. नहीं, उसके अलावा आप ऑडियो गाइड सुनते हैं जब आप किसी मॉन्यूमेंट को देखने जाते हैं, आपकी आवाज की जरूरत है. आप ई बुक्स हैं, आज बच्चे आवाज की दुनिया के हिसाब से पढ़ रहे हैं. आप डायल 1 फॉर सो एंड सो, डायल 2 फॉर सो एंड सो, आपकी पूरी IVR, आपका पूरा ऑटोमेशन सिस्टम आपकी आवाज के बिना आगे नहीं बढ़ सकता. सही है, आपकी आवाज का अगर आपका ये कॉन्फिडेंस बन जाए कि माशाल्लाह आपकी आवाज अच्छी है, आपकी ओरेटरी स्किल्स बढ़िया हैं, तो आप जरूरी नहीं कि कैमरा को फेस करेंगे या माइक्रोफोन को फेस करेंगे. आप उसी तरह एक स्टेज पे, एक कॉर्पोरेट ऑफिस की कॉन्फ्रेंस में आपकी स्पीच में अगर क्लैरिटी है, शुद्धता है, एक स्पष्टता है, यू ऑलवेज स्टैंड आउट देन. तो दैट्स व्हाई आई से कि वॉइसिंग सिर्फ उसको करियर के हिसाब से मत देखिए. आपकी जाती जिंदगी में अच्छा बोलना कितना काम आता है, इसलिए अपने आप को ग्रूम करिए. मेरा कहने का मतलब यह है, लोग बहुत सारे कहते हैं मिस्टर शम्मी नारंग आपकी आवाज बहुत अच्छी है इसलिए आप ये कह रहे हैं. मैंने कहा नहीं, मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूं कि भाई देखो, फिल्म इंडस्ट्री में 3 कमाल की आवाजें हैं, उसमें रजा मुराद भी हैं, उसमें सुरेश ओबेरॉय भी हैं, उसमें अमिताभ बच्चन भी हैं. बट व्हाई एवरी टाइम अमिताभ स्टील्स द शो? बिकॉज उसको अपनी आवाज में ख्यालात को परोसना आता है. वो कितना पंक्चुएशन करता है, वो कन्विक्शन उसके अंदर इतनी है, वो कमबख्त झूठ भी बोलता है तो सच लगता है. सबसे बड़ा जो ये है, एक कनेक्ट बनाना और उसका एक बेसिकली एक आकर्षण पैदा करना, आपसे दोस्ती करना, आप तक पहुंचना. आई वुड रियली लाइक टू आस्क यू दिस, हाउ डज वन बिकम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट? आई मीन द क्वेश्चन इज फॉर बोथ ऑफ यू फॉर दैट मैटर. मैं उसका सवाल, मैं क्योंकि शायद थोड़ा ज्यादा तजुर्बेकार इंसान हूँ, क्योंकि आज जमाने में उनको, आज के बच्चों को शायद दिशान जैसे, शम्मी नारंग जैसे, अमीन सियानी जैसे और बहुत सारे रिन्नी खन्ना जैसे लोग
उनके ऊपर हैं उनसे बातचीत करने की। लेकिन जिस वक्त हम लोग बढ़ रहे थे या इस प्रोफेशन में अब वी वर ट्राइंग टू वेलराइज आवरसेल्फ, वी वर ट्राइंग टू अपग्रेड आवरसेल्फ, तो उस वक्त क्या होता था, गुरु होते थे वो सिर्फ आपकी भाषा में सुधार करते थे। अगर मेरा कोई मेरी प्रोनाउंसिएशन में गलती है, मैंने उर्दू का लफ्ज कुछ गलत बोल दिया, तो वो कहते बेटा यहाँ नुक्ता लगता आप गलत बोल रहे, तो हम कहते थे सर आप इतने कॉन्शियस क्यों हैं कि हम ठीक बोलें। पर मुझे लगता है क्योंकि जब आप किसी भी ब्रॉडकास्टिंग में जाते हैं, माफ कीजिएगा मैं मेट्रो ट्रेन में भी जाता हूं, तो जब मैं जोर बाग कहता हूं तो बाग के नीचे जब बिंदी लगाता हूं तो हजारों स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं, अगर वो आज तक उसे गलत बोलते आ रहे थे तो प्रॉब्ली दे बिलीव इन मी, जैसे कि इस आदमी ने बोला तो ठीक ही बोला। इसलिए वॉइसिंग बनने के लिए सबसे पहला जो है कि आप अच्छे लोगों को सुनिए, उनकी पंक्चुएशन को जानिए, अपनी भाषा का ज्ञान बढ़ाइए कि आपकी जुबान कितनी साफ है, आपकी शब्दावली आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है। आक्षी मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं कहता हूं कि आक्षी मेरे घर के करीब रहती है, शिव कहेगा आक्षी मेरे घर के पास रहती है, दिशांत कहेगा आक्षी मेरे घर के नजदीक रहती है, तो अगर एक शख्स के पास ही इतनी सारी वोकैबुलरी हो जाए तो आपका कनेक्ट बना रहता है। तो सिर्फ बोलना नहीं, आपका जहन भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। आप पढ़िए, अच्छे लोगों से बातचीत कीजिए और उनको मौका दीजिए आपको टोकने का। और आपके बड़े अगर कल को दिशान के सामने को अंग्रेजी बोल रहा है, ओके गा सर दिस इज नॉट एपिसोड दिस इज एपिसोड, सो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। वो आज भी मेरे को टोकता है, अगर माशाल्लाह मेरी अंग्रेजी तो मेरे को तो 1947 में अंग्रेज मना कर गए थे मत बोलना है ना, पर अगर मैं गलत बोलता भी हूं तो दिशांत जब टोकता है तो आई फील इट वेरी गुड। कल मैं कुछ बात कर रहा था तो मैंने केमिस्ट कह दिया, बोला आप क्या ये पंजाबी वाला केमिस्ट केमिस्ट करते रहे, केमिस्ट है वो, सो इट्स वेरी नाइस। तो मैं कभी भूलूंगा नहीं कि मेरे बेटे ने मुझे ठीक किया। एंड यू नो आई दिशांत आई वॉन्ट यू टू थ्रो सम लाइट ऑन यू नो जो सर ने बात बोली उसके एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, शुद्ध बोलना साफ बोलना टू बी to preserve the sanctity of a language, I want you to throw light on the fact ki jo aajkal ki you know messaging language, the focus on the purity of the language, that is somewhat you know fading away because of social media. What do right. you suggest to young people, kids who may or may not want to necessarily become voiceover artists but apni language pe focus kaise kar sakte? I think Shiv, like you very rightly said, things are evolving at lightning speed. Mm-hmm. You know, it's in today's day and age, it's not necessarily what you say, but how you say that makes you steal the show. So language will constantly evolve. If there's a bunch of friends and they're all speaking to one another, you don't expect them to speak to one another in a very formal tone. It'll be a very personal, very informal style of communication. So that is something that brands these days are picking up, creative agencies are picking up, filmmakers like yourselves are picking up, that we must become more realistic. The new trending topic or what's in vogue these days is realism. For example, I and my father belong to two very different eras. I probably got into this field a good 3 decades after him. So you can imagine how much things would have evolved by then. Yeah. So today when I do voiceovers, unlike my father's era, instead of creating one unique style or one unique identity, I probably have to create 5 or 6, which has its pros and cons. Like for example, when you and I have, when Akshi, Shiv and I, we've collaborated on projects for a FMCG brand where the target audience were college-going students, then the tonality was completely different. So one is an aspect of versatility. And one is owning these 4 or 5 different styles or these different types of modulations. And coming back, sorry, I'll just quickly touch upon the topic of how to become a voiceover artist or, you know, how can one proceed? Unfortunately, it's still a very unorganized sector. You know, unlike, let's say, acting, where you have proper acting schools and you have acting coaches, the voiceover world is still evolving. It's still hasn't matured to that level. So if you see all the greats, even today, all the great voiceover artists have been products of the ecosystems in which they exist.
For example, if you take my father, he is the ecosystem of the broadcasting world. He's a product of the broadcasting ecosystem. Yeah. If you see other greats, you know, they have emerged from radio stations or the radio space. Yeah. I have emerged from the space created by my father, yeah. and okay. so and so forth. So, but if you can say that, you know, he's a great voiceover artist because he went to this institute or he went to this academic institution, then the answer would probably be very disappointing. Because as of date, the sector hasn't matured to the level where you can actually go and get a degree in voice acting the way you could in mainstream acting. Wow. Okay. Dishan said, ki, sir, industry jo hai, wo organized nahi hai, to koi school nahi hai. कॉलेजेस नहीं है. सो सवाल बड़ा सिंपल है कि डज दैट मीन, क्योंकि ट्रेनिंग की कमी है, डज दैट मीन दैट आई हैव टू बी ब्लेस्ड विद अ सर्टेन वॉइस टू बिकम अ वॉइस ओवर? क्या मैं ट्रेन कर ही नहीं सकता? जो मेरी आवाज मुझे बायोलॉजिकली मिली है मैं उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता? व्हाट इज द, हाउ डू आई रियलाइज दैट आई कुड पॉसिबली गेट इनटू दिस फील्ड? मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता. खुदा ने जिसको वोकल कॉर्ड्स दिए हैं, माफ करना, आपकी दादी, भुआ, चाची, नौकर, दादाजी, मामा जी, चाचा जी, एवरीवन कैन मॉड्यूलेट, पहले तो ये मान के चलो, और वो रोज करते हैं. वाओ, माफ करना, मैंने कहा कि अरे रामू जरा चाय देना यार, ये क्या चाय बना के लाया, छे ले जा. आपने 5 सेकंड में 3 मॉड्यूलेशन दिए, आप करते हैं नहीं करते? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि गांव के अंदर जब लिखा जाता था रमा देवी, आज से 100 साल पहले भी या 80 साल पहले भी, तो वो भी टैटूइंग ही होती थी. है ना, उसको आपने एक ऑर्गेनाइज सेक्टर दे दिया और वो टैटूइंग हो गई. वो बेचारा वहीं गरीब मर गया. वो फिर पहले बाजू पे करता था, वही पतीले पे कर देता. मैं आपको वॉइसिंग से एक और, जो बहुत जल्दी लोग डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं, उसका यूथ का सबसे बड़ा रीजन क्या हो रहा है कि उनको लगता है कि यार शक्ल नहीं आ रही, यार ये क्या मेरी वॉइस सुन के मुझे एकता कपूर बुला लेगी. तो उनका पहला जिंदगी में, मैं कहता हूं कि अगर आपने अपनी ओरेटरी स्किल्स को मान लिया तो आपने 60% वॉर जीत ली. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक एक यंगस्टर की बेसिक मिसकंसेप्शंस को आप नहीं तोड़ेंगे, मेरे अगर यंगस्टर्स भाई बच्चे सुन रहे होंगे तो उनको क्या मिसकंसेप्शन होगी, अगर आप 2 सिगरेट के अगर ड्रग्स लगा लेना बॉस, यूल ऑल साउंड वेरी सेक्सी, नॉट द बैरिटोन. हा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये मान के चलो, हो सकता है कि 2 सिगरेट पीने के बाद पहले साइकोलॉजिकली आप करना शुरू, और मेरे दोस्त कैसे हैं आप, करना शुरू कर दें आप, है ना. लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, वॉइसिंग सिर्फ 4 लाइनें पढ़ने का काम नहीं है. शम्मी नारंग आज 60 की उम्र में 40-40 पेज पढ़ता है और पानी का सिप भी नहीं पीता. तो पर क्या होता, हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम इनबॉर्न हैबिट्स इतनी बिठा लेते हैं कि हमारे माँ बाप ने कभी टोका ही नहीं हमें, मेरा बच्चा क्या खाएगा, उसको 20 साल लग गए मेरे बच्चे को, मम्मा मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं जान इसी में निकल. नाउ ये इनबॉर्न हैबिट को आप जब तक, यू हैव टू ओवरकम दीज, यू फर्स्ट ऑफ ऑल टेक साउंड सीरियसली, वॉइस सीरियसली, बस मेरा यही कहना. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर दिशांत एक्चुअली. Is there something in particular that you look for in new talent? I'm not only saying freshers, but even when a voiceover artist who's been in the industry but has never worked with you approaches you. So the number one thing that we look for is not necessarily their baritone, as Shiv was asking, not the grains in their voice, so not how heavy or deep their voice is, but how confident are they with the script, with the microphone. Once you're inside the studio, you have two entities to be careful of. One is the script and the second is the microphone. So how friendly are you with these two elements? It's simply like saying how certain people have social anxiety, and when they meet two new people, how comfortable are they, or how can they handle a situation? This is the same application that applies to inanimate objects like a microphone and a piece of paper.
So how comfortable are you? Even small things like, you know, if I'm observing from the other side of the glass, from the control room, if an artist I see himself just, you know, makes a little tweak and holds the paper like this to get more comfortable and deliver better, I know that this person is maybe cut out for this. But if someone enters the studio and is super fidgety and is very, very anxious and is like, you know, all uptight and not being able to even breathe properly, and is super nervous, then I know that, yes, this one will probably require more work. But Dishant, taking you know, a leaf from the direction of questions that Akshi put towards you, although we mentioned the word artist and art many, many times, we cannot deny the commercial angle of things today. For a young person, for a young boy or a girl at the cusp of many, many career options, how do we help them understand the a financial aspect to this profession? Is there, how does one make money if I have to ask very simply? This is a very good question, and it's a very pertinent one as well, because if you pursue a profession, then inherently a profession means that there needs to be some sort of remuneration. You know, it's not a hobby. Sure. It's something that you do to earn, to survive. So to answer your question more directly, where does the money come from or where does the security come from? There is no answer to this. It will come with time. It will come as in when your art is appreciated, is recognized, is identified. Okay. You have to be a hustler. Let me put it very simply. You have to have wonderful client servicing skills. You need to have wonderful business development skills. You need to have very good people skills. And that is how you'll attract more business and more clients. तो एक बात बेटा, शिव, मैं आपको जो छोटी सी बात जो दिशांत मिस कर गए, आपने कहा कि आज की वॉइस ओवर का एक और एसेट क्या है, मैं आपको बड़ी अच्छी बात, जो वॉइस ओवर अस्पायरिंग जो लोग हैं वो सुनना चाहते हैं, आपने वॉइस सीखी, पर मुझे लगता है शायद इस मेरी बात से दिशांत भी बात रखेगा, यू एग्री विद मी, कि आज वो वाले वॉइस ओवर आर्टिस्ट बहुत ज्यादा मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ रही है, जिन्होंने अपने घरों में इन हाउस स्टूडियोज बनाए। मैं उसका रीजन बताता हूं, ये लॉकडाउन तो अब चल रहा है ना सब। अगर सपोज कीजिए मुझे एकदम से आक्षी की वॉइस की जरूरत पड़ जाए और आक्षी की ही वॉइस चाहिए, शी इज अ वंडरफुल वॉइस, तो आक्षी 2 मिनट लगाएगी, अपने साउंड बूथ में जाएगी, घर में रिकॉर्ड करेगी, मुझे भेजेगी, मेरे लिए सेफेस्ट चॉइस आक्षी। ये सीक्रेट मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि बहुत से बच्चों को काम आए, क्योंकि एवरीबॉडी, अब एक कोई नोएडा में रहता, उसको जरूरत पड़ गई वॉइस की, दिशांत डेस्परेट है, तो पहले तो दिशांत बेचारा वेट कर, उसके पास भी बेचारा वो ट्रैफिक चीरता हुआ जहां उसको 30 सेकंड में उसकी वॉइस पहुंच सकती है, वहां उसको 3 घंटे लग गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वॉइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and now more than ever, like I said, out of a 1,000 plus artist roster, about I would say 25 to 30 have home setups, or at home least setup. They have home setups which pass our quality, our stringent quality check. Okay, uncle, हमने बहुत ही serious बातें कर ली हैं, अब मुझे because मैं आपको जानती हूँ, मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ, मेरे को आपसे बहुत stupid सवाल पूछते हैं about the metro. ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल दे आर एडिंग 4 stations टू 1 existing line, तो ऐसे जब जब एक मेट्रो लाइन, एटलीस्ट आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज, बट जैसे दिल्ली का हमें पता है, 1 लाइन गेट्स डन एंड देन इट स्टार्ट्स रनिंग, और फिर यहाँ 2 स्टेशन बढ़ते हैं या यहाँ पे 4 स्टेशन बढ़ते हैं, तो ये आप हर बार रिकॉर्ड करते हो बार बार, या एक ही बार पहले ही करा लेते हैं? देखो बेटा, जहां तक DMRC का सवाल है, जहां तक stations और द सेगमेंट्स, जिसे ब्लू लाइन येलो लाइन ऐसे कहते हैं, उनका सवाल होता है, वो प्री प्लान होता है सारा, वो बहुत पहले उसकी प्लानिंग हो जाती है, जगह की रेकी हो जाती है, इंजीनियरिंग का काम होता है, इसलिए वो तो इट्स बेसिकली नॉट ए प्रॉब्लम, एक एक साल पहले आ जाता है हमारे पास। हाँ, अब टॉपिकल कोई चीजें होती हैं, जैसे पुस्तक मेला प्रगति मैदान का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया, फॉर एग्जाम्पल, ये एक एडवाइजरी आई है गवर्नमेंट की तरफ से, तब आप उसी वक्त आप वो करते हैं। अगर आपने कहा कि आपको मोतीबाग से अब
धौला कुआं तक वॉकलीटर्स बन गए ताकि आप गाड़ी चेंज कर सकें, तो वो मैसेज आ जाएगा आपको. सो दैट इज नॉन व्हेन यू रिक्वायर, दैट्स अ टॉपिकल मैसेज उस टॉपिक के हिसाब से. सर अगर कहीं मेट्रो आ रही होती है तो बेसिकली आप लोगों को एक डेढ़ साल पहले पता चल जाता है. बिल्कुल, जहां स्टेशन और लाइन की बात है. माय प्रोड्यूसर जस्ट लव्स द मेट्रो, शी नेवर ट्रैवल्स बाय इट, बट आई थिंक शी इज सो इंट्रीग्ड बाय द आईडिया ऑफ द मेट्रो. अ लार्ज पार्ट ऑफ माय लाइफ वेंट इन ट्रैवलिंग इन द मेट्रो. वी कैन गिव यू एन एंटायर शीट ऑफ फन फैक्ट्स अंकल. आप आई वांट टू आस्क यू, लोगों ने आपसे बहुत स्टूपिड क्वेश्चंस भी तो पूछे होंगे अबाउट मेट्रो रिलेटेड. योर वॉइस इन द मेट्रो. अरे रोज रोज लोग, अगर जैसे आप कल को किसी सिंगर को मिलते हैं या किसी मिमिक्री आर्टिस्ट को मिलते हैं तो आप कहेंगे भैया जरा नाना पाटेकर की आवाज सुनाओ ना, यार अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाओ ना, या किशोर कुमार वाला वो गाना सुनाओ ना, है ना, और आंटी वाला गाना सुनाइए वो जो आपने उधर गाया था. हमें कहेंगे जरा मेट्रो वॉइस में कुछ बोल के दिखा दीजिए ना. यार सड़क के ऊपर खड़े होके आप मेट्रो की वॉइस में क्या सुनाएंगे कि बेटा तुम्हारी कार अब पंक्चर होने वाली है, हाँ स्टार्ट करने से पहले अपनी मम्मी को टाटा जरूर करो, धन्यवाद. मैं भी अब ये कहूं क्या, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोग उसी में खुश. और एक साहब ने तो ये कह दिया कि सर एक बारी ना किसी, कई बारी हो जाता है टेक्निकल गुफ अप हो जाता है तो कई बारी ड्राइवर खुद बोलता है. सपोज करो कई बारी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, हुआ होगा दो चार बार, तो कहता साहब आज तो ना आपकी आवाज नहीं आ रही थी, वो ड्राइवर ही बोल रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आपकी आवाज नहीं है साथ में, तो ऐसा लग रहा था बिना टिकट के सवारी कर रहा हूं. सो कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो, सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट कि वो इतना यूज्ड टू हो गए. ब्यूटिफुल. आई थिंक आई विल ऑल्सो सर, सिंस हम फ्री टिकट मिलती है क्या मेट्रो में? हाँ ये भी बड़ा पूछा जाता है. आपका तो आपके पास कार होगा ये तो आम पूछा जाता है, आपका क्या है, आपके पास तो पास होगा. अरे कम वक्त गए हुए मुद्दत हो गई, वो भी जब वो मार्स वाले कभी बुलाते हैं कि साहब जरा सुन लीजिए हाउ इट साउंडिंग. और एक मरतबा मैं अपने घर से चांदनी चौक, मेरा भाई जर्मनी से आया था, उसने दिखाने जा रहा था कि भाई इस तरह की हमारी मेट्रो ट्रेन होती है और इस तरह से मेरी वॉइस आती है, तो वो तो बड़ा खुश हो रहा था, कह रहा है भाई की आवाज आ रही है. तो एक बच्चा मेरे को इमिटेट करता जा रहा था, INA जोरबाग पटेल चौक इस तरह से, और वो भी मतलब वो चांदनी चौक तक साथ ही जा रहा था, अपनी मम्मा को बताया जाए. और फिर धीरे से कहता इन अंकल के कितने मजे है ना, ये गाड़ी में घूमते रहते हैं, मतलब ये आक्षी ये कुछ भी नहीं है, मैं आपको ये बताऊं कि वॉइसिंग जैसे शुरू में वॉइसिंग के बारे में लोगों के जहन में क्या होता था, मुझे कोफ्त हुई कि मैं इस प्रोफेशन में हूं क्यों, लगता था मैं सुसाइड कर लूं, क्योंकि एक मोहतरमा ने पढ़ी लिखी मोहतरमा थी और वो मतलब मेरी बीवी से पूछ रही कि डॉली शम्मी नहीं दिखाई देते आजकल, तो उन्होंने कहा कि वो आजकल वो उन दिनों में इलेक्शन चल रही थी 89 की, तो उसमें बहुत जगह मेरी वॉइस जाती थी उनके कैंपेन्स में. ओके. तो वो मेरी वॉइस जाती थी, तो कहीं मेरी बीवी ने कह दिया कि वो वॉइसिंग करते हैं आजकल, वो तुम्हें पता नहीं इलेक्शन आ गई है. बोले अच्छा अच्छा, वो जो थ्री व्हीलर में बैठ के गया था आज ही आइए रामलीला ग्राउंड में, वो शम्मी की वॉइस है. अब इमेजिन है ना, तो आप तो मतलब वॉइसिंग करियर को समझाते समझाते आपको मुद्दत लग जाती. वाओ ब्यूटिफुल. आई थिंक सर मैं आई विल आल्सो बी वन ऑफ दोज चीप इंडिविजुअल्स जो आपको मिलके एक्साइटेड होकर पूछेगा कि सर क्या प्लीज नाना पाटेकर स्टाइल. सो सिंस वी आर ऑल मिसिंग द मेट्रो सो मच, आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम दिल्ली के कितने मिलियंस ऑफ लोग हैं जो मेट्रो को मिस कर रहे हैं. आई थिंक इन योर वॉइस इफ वी गेट अ मैसेज टू देम सेइंग ना दैट दरवाजे नहीं खुलेंगे, अपने अपने घरों में रहें, आई थिंक दिस विल मेक अ परफेक्ट एंड टू दिस होल एपिसोड. जी मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगला स्टेशन आशाओं से भरा हुआ है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ है. बस ध्यान रहे कि आपके घर की खिड़कियां बेशक खुली रहें, लेकिन खिड़कियों से उन दरवाजों से बाहर जाने की कोशिश ना करें. अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए आने वाले वक्त में
खुशहाली के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे. धन्यवाद. ब्यूटिफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू दिशांत. थैंक यू समियां. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you guys. Thank you so much. Such a fun discussion. I didn't even realize how time flew by. Time flew. Yes. I think it's a great initiative what you guys are doing with House Arrest. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. God bless. Love you. Love you. Thank you. God bless us all. Thank you. Stay safe. Take care, guys.